हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसा पेनिशर जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपने ये पेनिशर के बारे में सुना है, कभी देखा है, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। और जो पहली बार ये पेनिशर देख रहे हैं, उन्होंने नो लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्योंकि अभी ये जो पेनिशर के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये स्प्लिट होने के बाद, देखो, एक जमाने में ये पेनिशर 470 का ट्रेड कर रहा था और उन्होंने 1:10 का स्प्लिट देके अभी ये पेनी शेयर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने, अगर समझो, ये पेनी शेयर में बाइंग भी करते हो तो 1,000 शेयर आपको सिर्फ 310 रुपए में मिलने वाले। और 310 रुपए मतलब खोने के लिए कुछ नहीं और आने के लिए बहुत ज्यादा ऊपर की अपसाइड पेंडिंग है। तो स्टार्ट करते अपना वीडियो। और अपने पेनी शेयर का नाम है CCFCL। ये रहा पेनी शेयर का चार्ट। देखो, ये पेनी शेयर ने हाई लगाया था। हाई कितना लगाया था? 477 का हाई लगाया था। ठीक है, 477 का हाई लगाने के बाद ये अभी ट्रेड कितने पे कर रहा है? 0.31 पे ट्रेड कर रहा है। देखो, 0.31 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और उसमें मूवमेंट आती रहती है, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। 310 रुपये आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज में ही, ऐसे ही आपके 400-500 तो ब्रोकरेज में चल जाते। तो इसमें अगर आप 310 रुपये लगा के 1,000 शेयर भी खरीद लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, अभी ये शेयर के हम पहले देखते हैं इसने स्प्लिट कब दिया था। इसके अगर हम टिकर टेप के एनालिसिस देखते हैं, इसका नाम है क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड, फाइनेंस से रिलेटेड है। और इवेंट में अगर देखते हैं हम, तो शेयर ने 2014 में स्प्लिट दिया था। 2014 ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट दिया था। अभी 2014 मतलब ये जो रेड कैंडल जो नीचे बनी है वो स्प्लिट के कारण बनी है। और स्प्लिट होने के बाद शेयर कंसोलिडेशन फेज में ही है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज में। और अगर हम लार्वास बॉक्स यहाँ पे लगाते हैं तो देखो, इसने एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है। अभी 2016 से 21 आ गया, ऑलमोस्ट 21 का 2-4 महीने हो गए, पर अभी भी उसी एक रेंज में खेल रहा है। शेयर में प्रॉफिट कब होता है? ऐसे मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनको आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलता है। आप एग्जांपल के तौर पे ब्लैक रोज ले लीजिए। ब्लैक रोज कितने छोटे पे ट्रेड कर रहा था, कहाँ बढ़ गया। दीपक नाइट्रेट ले लीजिए, वो भी बहुत ऊपर तक चला गया। तो उसी कैटेगरी में हम इसे भी रख सकते हैं, 310 रुपये लगाने सिर्फ और 1,000 शेयर लेने के इसे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था। इन्होंने अपडेट दिया है कि रिजल्ट्स, देखो रिजल्ट्स, और 19 फरवरी 2021 में इसके रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स देखो कंपनी के कैसे हैं। देखो, क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड, लुधियाना बेस्ड कंपनी है ये। और इनका जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, लास्ट क्वार्टर में इनको प्रॉफिट कितना था? टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 6.69 लाख था। ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी है, तो इनके प्रॉफिट करोड़ में नहीं, इनके प्रॉफिट लैक्स में है। तो 6.69 लाख था, जो कि बढ़ के हो गया 10.04 लाख। इसमें आपको एक काफी अच्छी जंप दिख रही, पेनी शेयर है, इसमें जंप भी दिखाई दे रही है आपको, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और अगर वाईओआई भी देखें, वाईओआई अगर कंपेयर किया जाए तो 31/12/2019 को इनका टोटल इनकम था 21,63,000, जो बढ़ के हुआ 23,62,000। तो इसमें भी आपको जम दिख रहा है, कितने से बढ़ा? 2-2.5 लाख से तो बढ़ा इनका इनकम। तो अगर कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती है तो ये 31 पैसे का पेनी शेयर, समझ लो आपने 1,000 शेयर उठा लिए ये कंपनी के, समझ जाओ आपने 1,000 शेयर उठा लिए। और कंपनी ये 31 रुपए का पेनी शेयर समझो 30 रुपए चला गया। हम 470 की बात नहीं कर रहे,
जो इसका ऑल टाइम हाई है इसकी हम बात नहीं करेंगे, पर 477 हाई इसकी हम बात नहीं करेंगे, पर कम से कम ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है, 33 तक आ गया। यहाँ है 33, ये रेजिस्टेंस है, तो ये इसका स्प्लिट होने के बाद ये हाई लगाया था इसने 34.36 का। तो अगर आपने समझो 1000 शेयर उठा लिए, 1000 शेयर, और ये बढ़ के हो गया 34.36, हम निकाल देते क्योंकि ये 31 का है, तो 0.36 निकाल देते, 34 से भी बड़ा, तो 34,000 आपको प्रॉफिट होगा। और आपको लगाने कितने, 310 रुपये लगाने, ये कंडीशन में 310 लगा के भूल जाओ ना कि हमने कुछ लिया है कुछ नहीं ली, कुछ समझो ही मत, गिर गए समझ लो और छोड़ दो लगा के, चल गया तो बस झुनझुनवाला बनने की तैयारी कर लो भाई, 34,000 प्रॉफिट तो हो सकता है, और क्या पता आगे आने वाले टाइम में अगर ये और ऊपर बढ़ गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये होगी कंपनी। अभी हम इसका नाम क्या है, कैपिटल नहीं, क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। और अगर हम ये शेयर का मनी कंट्रोल पे एनालिसिस देखें तो एनालिसिस क्या कहता है, देखो शेयर का 52 वीक रेंज, मतलब 52 वीक हाई है 44 पैसा, अभी ट्रेड कर रहे 31 पैसे पे, इसने हाई लगाया था 44 पैसे का और लो लगाया था 19 पैसे का, वॉल्यूम 14,816 शेयर्स का, इसमें वॉल्यूम डे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 14,816 शेयर का वॉल्यूम हो चुका था। अभी इसके स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ क्या है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका ग्रोथ बढ़ रहा है ये शेयर का, ये क्लियरली बोल रहे हैं ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, तो ये एक अच्छी बात है शेयर के लिए। पर एमसी टेक्निकल क्या पहले कह रहे, वेरी वेरी बेरिश, क्योंकि शेयर ऑब्वियसली इतना नीचे आ रहा है, पेनी शेयर है तो बेरिश ट्रेंड ही दिखाएंगे, पर ग्रोथ हो रहा है इनके प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये एक शेयर के लिए पॉजिटिव बात है। चार्ट भी इन्होंने दिया है, पर चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया वहां पे। अभी ये कंडीशन में 63.16% अवे फ्रॉम 52 वीक लो और 29.55% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, तो 50 इसका 44 पैसे हाई था, इसीलिए 44 पैसे हाई था इसलिए ये क्या बता रहे हैं, सिर्फ 29.55%। पर अगर इसका ओवरऑल हाई देखा जाए, 477 का हाई था, तो उससे तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर ये शेयर 400 भी चला गया तो सोच लो आपका प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा, पर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी 310 रुपए की। कंपनी के ट्रेंड तो बेरिश ही दिखाएंगे, एनी शेयर है, कुछ गारंटी वारंटी है नहीं इसको। तो ये रहा आज के दिन का ओवरऑल एनालिसिस एनी शेयर पे, और इस पे प्रमोटर की होल्डिंग भी देखो 21.54% है, उन्होंने अभी तक वो घटाई नहीं है, तो ये भी अनचेंज्ड बोल रहे, अनचेंज्ड एट 21.54%, तो ये भी एक अच्छी बात आ सकती है शेयर के लिए। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस पेनी शेयर पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।